हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आप स्क्रीन पे देख लो, हम्बल रिक्वेस्ट टू सीएम इंस्टीट्यूट। किस चीज के लिए रिक्वेस्ट है ये आप सब समझदार हैं, आप जानते हैं, एक्सटेंशन के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कल परसों जो सेमिनार हुआ सीएम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उसमें क्लियर कट बोल दिया गया कि सीएमए के बच्चों को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जबकि अनदर काउंसिल मेंबर ने बोला था कि मिलेगी, और बच्चे बेचारे एक्सपेक्ट कर रहे थे मिलेगी, और मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मिलेगी, और बहुत सारे बच्चों की साथ में टीचर्स की उम्मीद टूट गई। तो बच्चे मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे कि सर आप सीएम इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करो। देखो, मेरे हाथ में ना कुछ है नहीं, मैंने पहले वाली वीडियो में भी यही बोला था, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सीएम इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे कि सर आप लोग, अगर कोई काउंसिल मेंबर देख रहा है कि आप मेरे को मत देखो, मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, आप उनको देखो, उन बच्चों की रिक्वेस्ट है। वो बच्चे बेचारे अपना स्टडी शेड्यूल अपने हिसाब से तैयार कर रहे हैं। नो डाउट 70-80% बच्चे ऐसे हैं जो एक्सटेंशन चाहते हैं, 20-30% बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते एक्सटेंशन, जो कहते हैं कि यार टाइम पे निपट जाए, वर्किंग वाले बच्चे हैं। लेकिन अगर मैं मेजोरिटी देखूं तो वो बेचारे ऐसे ही हैं हमारे जो चाहते हैं एक्सटेंशन मिले। तो मेरी सीएम इंस्टीट्यूट से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक बार इस चीज को देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे भी हैं जो सीए भी साथ में कर रहे हैं और उनके एग्जाम्स भी क्लैश हो रहे हैं। तो इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर, सर प्लीज कि हम एग्जाम सीए के दें या सीएमए के दें। मैं तो कहता हूँ भाई, दोनों देने का मौका मिल जाए तो बहुत बढ़िया, तो एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। बच्चे बेचारे घबरा हुए हैं, ऑल्दो काउंसिल मेंबर ने बोला कि जो पेपर है वो उसी पैटर्न पे आएगा, तो टेंशन लेने वाली क्या बात है। टेंशन लेने वाली बात ये है, दिक्कत ये है कि पेपर नो डाउट पुराने पैटर्न पे आएगा, लेकिन वो वे चेंज हो गया ना, मीडियम चेंज हो गया। पहले वो शीट पे लिखता था, वो कंप्यूटर पे लिख रहा है। बहुत सारे बच्चे बेचारे उस चीज के लिए नर्वस है ना यार, वो उन्होंने ऐसा नहीं करा। अब देखा जाए तो जो बंदा साइकिल चलाता है, देखा जाए तो स्कूटी चला लेनी चाहिए, लेकिन मीडियम बदल गया ना चलाने वाला, तो डर तो लगता ही है। तो यहाँ पे भी वही वाली बात है कि बेचारा बच्चा परेशान है कि नया कर रहा। नो डाउट कि एमसीक्यू का पैटर्न रहेगा, ठीक है, टाइपिंग स्पीड धीरे धीरे सुधर जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने 25 के एमसीक्यू है, 30 मार्क्स के केस स्टडी वाले भी एमसीक्यू में ही आएंगे, तो बच्चा सिर्फ 45 नंबर वाला पोर्शन जो टाइप करना है। लेकिन स्टिल बच्चा बेचारा नहीं मैनेज कर पा रहा, तो मेरे हिसाब से एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। सर हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं। अब मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों के गलत नहीं सोचेंगे, जो आपको रीजनेबल लगेगा वही आप लोग डिसीजन लेंगे। बाकी मेरी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, ताकि किसी काउंसिल मेंबर तक पहुंचे और आप बच्चों की रिक्वेस्ट पहुंचे। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी भगवान पे छोड़ दो और अपने इंस्टीट्यूट पे छोड़ दो, है ना, जो होगा वो सही होगा। ठीक, चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।